क्योंकि जब शैतान किसी के जीवन में प्रॉब्लम देता है तो दुख निराश करता है, पर जब परमेश्वर खुशी देता है तो सब दुखों को वो ढक देता है। आज एक नहीं दो दो बेटों से खुदा ने ब्लेस किया है। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम टीना है और जो अनगढ़ गांव के रहने वाले और इनके साथ इनके हस्बैंड है। और जिस सिस्टर की गवाही जे बता रही है कि जब इनकी मैरिज हुई थी और उसके बाद जैसे जे बेबी के साथ ब्लेस हुए और उस समय इनके घर में बेटा हुआ था, पर जे बता रही कि वो जो बेटा था वो सिर्फ 2 महीने तक रहा क्योंकि उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम थी जिसके कारण उसकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद जे बता रहे जे बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि वो बच्चा सिर्फ 2 महीने का था। तो उसके बाद जे बता रहे कि 5 साल हो गए थे तो इनको जे बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और जे बता रहे कि जैसे जे इन्होंने एक नर्स को दिखाया तो इन्होंने उसने इनको पूछा और जे बता रहे कि इनको एक प्रॉब्लम थी लुकोरिया की, तो जिसके कारण डॉक्टर ने बताया कि आप बेबी कंसीव इसलिए नहीं कर पा रहे, तो आप ऐसा करें कि अल्ट्रासाउंड कराएं ताकि अगर कोई और भी प्रॉब्लम होगी तो हम उस अनुसार आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो जब बता रहे कि जैसे डॉक्टर ने इनको बता तो दिया था, पर इन्होंने ऐसे जब फिर इनको गुड न्यूज़ मिली और जिस मिनिस्ट्री में आना इन्होंने शुरू किया, तो जब बता रहे कि जो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए डॉक्टर ने इनको बोला था और इन्होंने मन बनाया और जितने भी पैसे थे अल्ट्रासाउंड के वो इन्होंने विश्वास से बीज में डाल दिए। तो जब बता रहे कि इन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर आप ही मुझे ब्लेस कर चुके। और जो बता रहे जैसे भी जे लगातार ऐसे चर्च आते रहे, संडे की मीटिंग्स में अटेंड करते रहे और पर्सनल भी परमेश्वर के दास के साथ मिलते थे और जो इस मिनिस्ट्री की पॉजिटिव प्रेयर थी, टीचिंग थी और विश्वास करते थे कि परमेश्वर इन्हें ब्लेस कर चुके। और उसके बाद इन्होंने अपना कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराया, जहाँ तक कि अल्ट्रासाउंड नहीं भी वो भी नहीं कराया, सिर्फ इन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे लिए कर चुके। तो जो बता रहे कि उसके बाद 2 मंथ बाद ही जो बता रहे कि परमेश्वर ने इनको ब्लेस कर दिया बेबी के साथ। और उसके बाद इन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे बेटे के साथ ब्लेस कर चुके और जो लगातार विश्वास कर रहे थे, मीटिंग में आ रहे थे। और जो बता रहे कि जैसे फिर जब इनकी डिलीवरी हुई तो जो बता रहे कि परमेश्वर ने इनको बेटे के साथ ब्लेस कर दिया और जो बहुत खुश हुए, इन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। और उस दिन से इन्होंने परमेश्वर के आगे मन्नत मांगी कि जब इसका जो 1 साल का होएगा तो मैं इसका जो फर्स्ट बर्थडे वो परमेश्वर की हजूरी में पूरी क्लीसिया के साथ ही सेलिब्रेट करूंगी। तो जैसे इन्होंने मन्नत मांगी थी और जो बता रहे हैं कि 1 साल जैसे बीत गया तो फिर से सिस्टर प्रेग्नेंट हो गए और फिर से परमेश्वर ने इनको दूसरे बेटे के साथ भी ब्लेस कर दिया। और उसके बाद जो इनकी मन्नत थी अभी इन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, देर लगी, तो जब भी ये करने के लिए मन बना रहे थे तो बहुत सारी रुकावटें आ रही थी, तो इनकी जो मन्नत थी पूरी नहीं हो रही थी। पर जैसे टीम ने भी इनके गांव में विजिट की, उन्होंने भी इनको टीच किया कि अपनी मन्नत जो अपने परमेश्वर के आगे मांगी है उसको पूरा करे। और जब इन्होंने पर्सनल भी परमेश्वर के दास के साथ मीटिंग की तो परमेश्वर के दास ने भी इनको टीच किया कि जब भी हम वचन के अनुसार अगर परमेश्वर के सन्मुख मन्नत मांगते हैं तो जल्द से उसे पूरा करना चाहिए, क्योंकि कभी भी मन्नत जो मांगी वो आपने परमेश्वर से मांगी तो उसे देरी नहीं करनी चाहिए। तो क्योंकि इनके जीवन में बहुत सारी अलग रुकावटें आ रही थी, इनसे हो नहीं रहा था और जब बता रहे कि जो काफ़ी परेशान हो रहे थे। और जैसे ही जो बता रहे कि फिर इन्होंने जब पूरा मन बनाया कि परमेश्वर आपस से हमने मन्नत मांगी और जो कुछ भी हमने परमेश्वर के सन्मुख मांगा है कि हम लंगर लगाएंगे और जो बच्चे का जन्मदिन है हम आपकी हजूरी में मनाएंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए सारे पैसों का अरेंजमेंट कर चुके। तो जो बता रहे कि फिर इन दिनों में परमेश्वर ने इनको पैसों के साथ ब्लेस किया, जितना भी इनको अरेंजमेंट करना था इन्होंने वो भी परमेश्वर ने इनके लिए मार्ग को खोल दिया। प्लस जो बता रहे कि अभी इनके दोनों बच्चों का जो जन्मदिन है अभी 1 मंथ पड़ा, अगले महीने की महीना एक ही है पर जो डेट वो अलग अलग है, पर इन्होंने पहले मन बनाया कि हम 1 महीने एडवांस ही जैसे ईस्टर का डे हम इस पर ही सेलिब्रेट करेंगे और भवन में ही जो इसका जन्मदिन है वो भी सेलिब्रेट करेंगे। और आज उस खुशी से जब अपनी गवाही भी दे रहे और परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने आज इनका सारा अरेंजमेंट किया, जो इनकी मन्नत को मांगे हुए अभी 1 साल से टाइम भी प्लस हो गया था, देर लगी थी, उसके लिए भी जो परमेश्वर से माफ़ी भी मांगते हैं और इस मन्नत को आज इन्होंने पूरा किया। इस खुशी से जे इस गवाही के लिए भी परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं, इसके लिए जे परमेश्वर के दास का आदर भी करने के लिए आए हैं और इस गवाही के लिए जे परमेश्वर का धन्यवाद करते कि आज परमेश्वर ने इनको 2 बेटे बॉय के साथ ब्लेस किया है। तो इस आशीष कितने लोग विश्वास करते हैं,
जिनके पास नहीं है अच्छा मन रखो, एक नहीं खुदा दो दो देता है। हन्ना का एक भी नहीं था, पर जब मन खुदा को दिया तो खुदा ने कितने बच्चे दे दिए। ऐसे ही परमेश्वर आपको हर चीज डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल देता है, पर कब देगा? जब उसके साथ आप एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा संबंध बनाओगे। बोलो क्या है, इनको माइक देना। आपको कितना टाइम हो गया, माइक की आवाज नहीं आ रही, कौन सा माइक है? 2 साल हो गए। जेम्सी पापा जी, जेम्सी प्रकाश पापा जी, जेम 2 साल हो गए। जो 2 साल हो गए, तो 5 साल पहले आपके घर में बच्चा हुआ? हाँ, नहीं बच्चा नहीं, प्रेगनेंसी थी 2 महीने की। नहीं, बेबी बॉय हुआ था। बेबी बॉय? अच्छा, बेबी बॉय हुआ था। और क्या होगी उसकी? उसकी डेथ होगी। डेथ होगी बाद में 5 महीने आप बेबी कंसीव नहीं कर पाए। नहीं, 5 साल। हाँ, 5 साल भी। 5 साल नहीं, कैसे बोल रही हो? मैरिज जब 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 डेथ हो गई, क्या हो गई? बच्चे की डेथ हो गई। कितनी देर बाद आप बेबी कंसीव नहीं कर पाए? 1.5 साल। 1.5 साल तक नहीं कर पाए। ओके, तो 1.5 साल, 2 साल पहले आप आए, तो खुदा ने आपको बेटे से ब्लेस किया। पहले नहीं मैं आती थी। हाँ, पहले नहीं मैं आती थी। अच्छा, कितने कितने टाइम पहले आना शुरू किया? मैंने बेबी के, जब बेबी की डेथ हुई फिर मैंने 3-4 महीने बाद। अब कितना टाइम हो गया आपको आते हुए? मतलब 2 साल हो गए। 2 साल ही हो गए ना, फिर हाँ। मैं यही बहुत बोल रहा हूँ ना, 2 साल हो गए। तो अभी ये बेटा जो बड़े वाला, ये कितने टाइम का हो गया? 2 साल का। अभी 2 साल का हो गया। जब आए तभी परमेश्वर ने आते ही आपको ब्लेस कर दिया? हाँ जी, 1 महीने बाद। दे ये है ग्रेस खुदा का। अच्छा मन रखो, आते ही खुदा ने ब्लेस कर दिया। क्या कर दिया? और पहले भी बेटा हुआ पर शैतान ने चुरा लिया, क्यों? यीशु मसीह ने कहा चोर आता है, चोरी करे, घात करे और नाश करे। मैं इसलिए आया हूं कि वह जो मेरी बातों का विश्वास करते जीवन पाए और बहुतायत का पाए। तो उन्होंने पा लिया, जो खोया था यीशु के नाम से फिर पा लिया। पर पाने से पहले इन्होंने एक मन्नत मांगी खुदा के घर। क्या मांगी? कि जब भी मेरे बेटे का जन्मदिन होगा मैं परमेश्वर तेरे घर में सेलिब्रेट करूंगी। खुदा तेरे लोगों के साथ ऐसे ऐसे मन्नत मांगी कि जब 1 साल का होगा तो जो हम इसका जन्मदिन मनाएंगे खुदा, वो तेरे घर में मनाएंगे तेरे लोगों के साथ। पर कुछ कारणों के कारण ये लेट हो गए। क्या हो गए बोलो? बच्चा 2 साल का हो गया, खुदा ने एक और भी दे दिया, पर मन्नत अभी तक पूरी नहीं की। पर नहीं की बोलो क्या है? जैसे हम पंजाबी में कहते सुखना। बोलो क्या पंजाबी में क्या कहते हैं? सुखना। जब मन्नत पूरी नहीं की तो कुछ रुकावटें आने लगी, प्रॉब्लम्स आने लगी, क्योंकि खुदा अनुग्रहकारी है। बोलो क्या है? वो अनुग्रहकारी है, वो दयावान परमेश्वर है। उसकी इतनी दया है कि खुदा ने चाहे मन्नत अभी नहीं पूरी की पर दूसरा बेटा भी दे दिया। ये ऐसे करती है ग्रेस काम। पर हुआ क्या, जब नहीं की मन्नत पूरी, जब टाइम बीता तो कुछ रुकावटें, कुछ मुश्किलें आने लगी। अब समझ आई, टीम मिली, घर में गए टीम, उन्होंने भी समझाया कि जो मन्नत मांगी है पहले क्या करो, उसे पूरा करो। क्या करो? पहले उसे पूरा करो। जब समझ आई, मन बनाया कि नहीं, अभी 1 महीना पड़ा है। बोलो क्या है? ये 2 साल का हो गया, अभी 1 महीना पड़ा है 2 साल में, पर ये 1 महीना एडवांस पहले इस ईस्टर की मीटिंग में अपने बच्चे के इस जन्म को और उस मन्नत को आपके साथ सेलिब्रेट कर रही है। क्या कर रही है? क्यों जी, ऐसे ही है आपकी गवाही? यस पापा जी। अभी खुश हो? यस पापा। कितना खुश हो? बहुत। बड़ा खुश हो? जब पहला बच्चा शैतान ने चुरा लिया था तो बड़े उदास हो गए। यस पापा जी। हाँ यस पापा जी। क्योंकि
जब शैतान किसी के जीवन में प्रॉब्लम देता है तो दुख निराश करता है हमें, पर जब परमेश्वर खुशी देता है तो सब दुखों को वो ढक देता है। आज एक नहीं दो दो बेटों से खुदा ने ब्लेस किया है, बोलो क्या किया है, एक से नहीं दो दो से ब्लेस किया है। इसलिए तारीफ करो उस पहले परमेश्वर यहोवा की, जो हमारी सोच और समझ से भी और मांगने से भी लिखा वो ज्यादा करता है। दोनों हाथों को उठाकर तारीफ करते हुए, यहोवा ने खुशियां बखाया ने के आज मैं गावागी, यहोवा ने खुशियां बखाया।